आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज आप देखेंगे 10 क्लास का जो मैथमेटिक्स का सवाल पिछले वीडियो में हमने बनाए थे उसका शेष भाग देखेंगे। शंकु शंकु में 7 तक हम बना दिए थे, अब देखिए 8 नंबर का सवाल। शंकु की आकृति के एक काठ के खिलौने के आधार का व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। खिलौने के पार्श्व तल को प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से पॉलिश करने में 429 रुपये खर्च हुए, तो खिलौने की ऊंचाई कितनी होगी तथा इसका आयतन भी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे खिलौना का ऊंचाई पूछ रहा है और दिया गया है व्यास की लंबाई और पार्श्व तल को रंगने में जो खर्च है वो दिया गया है। तो चूंकि देखिए पार्श्व तल को रंगने में जो खर्च है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से खर्च टोटल दे दिया गया है, तो टोटल खर्च डिवाइडेड बाय प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने का खर्च करने से आपका पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उससे हम क्या करेंगे, इसका व्यास की लंबाई है तो इसका ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए देखते हैं इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो 8 नंबर का सवाल देखिए, दिया गया है कि शंकु के आकार का खिलौने का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर व्यास है, इसलिए अर्ध व्यास निकाल लीजिए, अर्ध व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च डिवाइडेड बाय प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे बैठा लेते हैं, पाई आर एल इज इक्वल टू कुल खर्च हो गया 429 डिवाइडेड बाय 2.10, ठीक है, 22/7 बैठा देते हैं। अच्छा अर्ध व्यास भी बैठा ही दीजिए, 5 × L इज इक्वल टू 429, एक जीरो बैठा लीजिए यहाँ पे, 21 कर लीजिए, काट लीजिए इसको, 7 × 21 9 × 2 = 11, 11 × 4 = 15, इसको 3 से काट लीजिए, 3 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, ठीक है। अभी 11 से काट लीजिए, 11 × 2 = 22, 11 × 11 = 33, कट गया है। अब हमको निकल के क्या आया है, निकल के आया है 10L इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे देखिए एक जीरो भी है तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो यहाँ पे 130 आ जाएगा, इसलिए L इज इक्वल टू 130/10, 0 0 कट गया, L बराबर 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो ये जो L निकला है ये खिलौना का तिर्यक ऊंचाई निकला, लिखेंगे खिलौना का तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, इसलिए लंबवत ऊंचाई निकालें तो आयतन निकालने के लिए लंबवत ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो लंबवत ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर L²-R² √ कर लेंगे। अब L के जगह पे 13 का होल स्क्वायर बैठा देंगे और R के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर बैठा देंगे, निकल के आ गया 169-25, निकल के आ गया 144,
निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। अतः खिलौना का लंबत ऊंचाई जो पूछ रहा था वो निकल के आ गया। अतः खिलौना का लंबवत ऊंचाई लंबवत ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अब खिलौने का आयतन निकाल लेंगे। इसलिए खिलौना का आयतन निकाल लेते हैं 1/3 πr²h, 1/3 × 22/7 बैठा लेते हैं और आर स्क्वायर यानी 5 × 5 कर लेते हैं यहीं पे और h हो जाएगा 12, जो कट जाता है काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 × 12 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, तो 22 × यहाँ पे हो जाएगा 25 × 4 = 100/7 यानी आ गया 2200/7। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये निकल करके आता है 2200 = 21 10 = 7 3 आएगा, एक ठो और जीरो बैठाएंगे, 728 2 आएगा, तो 2/7 तो निकल करके आ गया 3142/7 यही हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका ये निकल के आ गया और एक आंसर ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है 7 नंबर 8 नंबर भी बना लिए हैं। अब 9 नंबर का सवाल देखिए। 9 नंबर का सवाल में देखिए क्या है, 9 नंबर में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 9 नंबर में दिया है कि लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से एक पात्र तैयार करने में 7 × 5 3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्थर लगा है। यदि उसकी त्रियक ऊंचाई 5 मीटर हो तो पात्र में कितनी वायु है, मतलब आयतन निकालना पड़ेगा, और पात्र की ऊंचाई कितनी होगी, दो चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बोल रहा है कि चारों तरफ रंग करने से, चारों तरफ यानी संपूर्ण पृष्ठ को रंग करने से 2.80 रुपये के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा ज्ञात करें। अच्छा, लोहे पत्थर के मोड़ आदि का हिसाब नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से 9 नंबर का सवाल अगर हम लोग देखें तो 9 नंबर का सवाल में देखिए जो जो दिया हुआ है, दिया गया है कि शंकुआकार पात्र का तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, ठीक है। कितना दिया है, 5 मीटर तिर्यक ऊंचाई, यानी कहने का मतलब ये अगर शंकुआकार खिलौना है तो ये ऊंचाई जो है L बराबर 5, इसको L भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तथा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 7/5 3/7, इसको हल करें, 7 × 5 = 35, 3 आया, 7 × 7 = 49 और 3 = 52, ठीक है। अब प्लस 3/7 बराबर 5 × 8/7, ठीक है। इतना क्या दिया है, वर्ग मीटर, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हम यहाँ पे रख देंगे, πr(l+r)=5/8/7 या 22/7 गुना आर के जगह पे तो हमको मिला हुआ है 5, आर के जगह पे 5 तिर्यक ऊंचाई मिला हुआ है, एल के जगह पे मिला हुआ है, तिर्यक ऊंचाई बैठा देंगे, अब प्लस आर,
आर के जगह पे, आर के जगह पे हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे त्रियक ऊंचाई दिया है, ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई जब दिया है तो यहाँ पे 5 बैठा दिए हैं प्लस आर बैठा दिए हैं बराबर 528 डिवाइडेड बाय 7, 7 काट लीजिए। और इसको भी अगर चाहें तो काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 44, 11 88, इसको काट लीजिए 24, सारा कट गया है। अब आ जाता है R इंटू 5 प्लस आर इजक्ल टू 24 या 5R प्लस आर स्क्वायर इजक्ल टू 24 या आर स्क्वायर प्लस 5R माइनस 24 इजक्ल टू 0 या आर स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, 24 है तो 8 24 8 माइनस 3 में इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है तो इसलिए इसको हमको तोड़ना ही पड़ेगा। आर स्क्वायर 8R माइनस 3R माइनस 24 इजक्ल टू 0 और R कॉमन ले लीजिए, R प्लस 8 माइनस 3 कॉमन लीजिए, R प्लस 8 इजक्ल टू 0 और R प्लस 8 इंटू आ जाएगा R माइनस 3 इजक्ल टू 0। चूँकि R प्लस 8 बराबर 0 इसलिए R बराबर माइनस 8 जो असंभव है, R माइनस 3 तथा R माइनस 3 इजक्ल टू 0 इसलिए R इजक्ल टू 3। तो अब ये जो निकल के आया है वही इसका अर्धव्यास लंब है, अतः खिलौना का, खिलौना नहीं है, शंकुआकार पात्र है, शंकुआकार पात्र का अर्धव्यास निकल के आ गया। अर्धव्यास इक्वल टू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वो तो ऊपर में है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर लिख देते हैं, मीटर में, ठीक है। अब देखिए इसका अर्धव्यास निकल के आ गया है 3 मीटर, है ना, इसके पहले देख चुके हैं हम लोग, इसका निकल के आया है, ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, और अर्धव्यास निकल के आया 3 मीटर, ठीक। तो इसलिए पात्र की ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए कहा भी गया, ऊंचाई बराबर त्रियक ऊंचाई 5 मीटर था तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, त्रियक ऊंचाई इसका 5 मीटर तो 5 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 25 माइनस 9 अंडर रूट, अब निकल के आता है 16 अंडर रूट 4 मीटर, ठीक है। अतः पात्र का ऊंचाई h इजकल टू 5 मीटर और यही आपका एक आंसर निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में एक ऊंचाई तो पूछा ही है, कहाँ चला गया, ये देखिए ऊंचाई तो पूछा ही है, लेकिन इसके साथ साथ कहता है उस पात्र के चारों तरफ रंग करने से प्रति वर्ग मीटर इतना के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा वो भी ज्ञात करिए। तो खर्च के लिए अगर हम लोग देखें तो देखते हैं खर्च हम कैसे निकाल पाते हैं। तो इसको संपूर्ण पृष्ठ को अगर रंग रहा है तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है इतना, तो अब यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पात्र को कितना रुपये के दर से रंग रहा है तो 2.80 है ना, 2.80 प्रति वर्ग मीटर रुपया प्रति वर्ग मीटर की, संपूर्ण पात्र को इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का खर्च बराबर
7537, ये तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.80 से, ठीक है, तो निकल के आ जाएगा 7735 3 67 49 52 + 3 / 8 / 7 × 2.80। अब आएगा 528 / 7 × 28/10, इसको काट लीजिए 28। अब आएगा 8 × 32 3 × 4 × 2 = 8 × 3 = 11 बाकी 1 × 20 = 21 कितना आ गया, और डिवाइडेड बाय 10 बराबर आ गया 211.20। इसका मतलब इसका खर्च कितना निकल के आ गया, तो इसका खर्च निकल के आ गया 211.20, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो संपूर्ण पात्र को इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से रंगने का खर्च कितना होगा, तो ये निकल करके आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल में देख लीजिए सवाल क्या कहता है कि लंब वृत्ताकार शंकु आकृति के एक तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं, ये VVI सवाल है, ये भी देख लीजिए। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग जाती है एवं 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है, तो कुल 11 लोगों के लिए निर्मित तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए आप फिगर में समझिए कि ये शंकु के आकार का एक तंबू गड़ा हुआ है, जिसका कि क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें कहता है 11 व्यक्ति रह सकते हैं, ठीक है, और इसका आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो कहता है कि 1 वर्ग मीटर एक व्यक्ति के लिए लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जब 4 वर्ग मीटर जगह लगता है तो 11 व्यक्ति रहेंगे, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार शंकुआकार तंबू में एक व्यक्ति के लिए लिए 4 वर्ग मीटर जगह चाहिए, ठीक है। इसलिए 11 व्यक्ति के लिए कितना जगह चाहिए, के लिए जगह का क्षेत्रफल बराबर 11 × 4 = 44 वर्ग मीटर जगह चाहिए, ठीक है। चूँकि ये जो जगह चाहिए तो वो नीचे चाहिए, एक आदमी यहाँ ऐसे इस तरह से अगर 11 आदमी रहेगा तो ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा आपका आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर 44 वर्ग मीटर, आधार का क्षेत्रफल π r² बराबर 44 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए 22/7 या फिलहाल इसको रहने दीजिए, ये 44 वर्ग मीटर आ गया है, है ना। और देखिए क्या कहा है कि एक व्यक्ति के लिए कितना लग रहा है, तो 20, एक व्यक्ति के लिए 20 घन मीटर हवा चाहिए। पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए कितना हवा चाहिए, के लिए 20 घन मीटर हवा चाहिए, ठीक है। इसलिए कितना व्यक्ति, 11 व्यक्ति के लिए कितना हवा चाहिए, और 11 व्यक्ति के लिए जितना हवा चाहिए वही आयतन होगा तंबू का, व्यक्ति के लिए 20 × 11 = 220 घन मीटर हवा की आवश्यकता होगी, ठीक है। या इसको हम 1/3 π r² h = 220 ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है तंबू का आयतन, ठीक है।
क्योंकि हवा जो होता है वो तंबू का आयतन को सूचित करता है। ठीक है, ऊपर में हम एक चीज़ और दे देते हैं, चूँकि तंबू का आयतन बराबर 220 घन मीटर, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 220। अब देखिए 1/3, अब देखिए पाई आर स्क्वायर जो है हम लोग पहले से ले ला चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब आएगा 220, इसको काट लीजिए चार बार में, इसको दो बार में, एक ज़ीरो आ जाएगा, इसको भी काट लीजिए पांच बार में। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, एच बटे थ्री इजिकल टू 5/1, इसलिए h बराबर 15 मीटर, और यही क्या है, तंबू की लंबत ऊंचाई लिख देंगे। अतः तंबू की लंबवत ऊंचाई बराबर 15 मीटर, और यही आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 11, शीला द्वारा तैयार एक शंकु आकार के टोपी का आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर, टोपी को ऊपरी भाग को रंगीन कागज से ढकने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे की दर से इतना रुपये खर्च होता है, तो टोपी की ऊंचाई एवं त्रियक ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसका ऊंचाई यानी एच और त्रियक ऊंचाई एल ज्ञात करने के लिए दिया क्या है, व्यास दे दिया, तो शंकु आकार टोपी है, तो चलते हैं 11 नंबर सवाल। दिया गया है, मान लिया जाए शंकुआकार टोपी, इसी टाइप का टोपी है, दिया गया है कि शंकुआकार टोपी का व्यास दिया है, कितना व्यास दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए शंकुआकार टोपी का अर्ध व्यास निकाल लेते हैं, अर्धव्यास बराबर 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर, या जहाँ ज़रूरत पड़ेगा ये भी बैठा सकते हैं। ठीक, हम दोनों निकाल के रख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि टोपी को ऊपरी भाग से रंगीन कागज़ द्वारा इसको ढका जा रहा है, तो इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल होगा, चूँकि टोपी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च डिवाइडेड बाय प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च, और पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है उसको पाई आर एल बैठा लेंगे, बराबर कुल खर्च हुआ यहाँ पे 57.75 रुपया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 पैसा, अब इसको रुपया है तो इसको पैसा में बदल देंगे, 22/7 बैठा दिए हैं, आर तो यहाँ पे दे दिया है, तो हम इसको बैठा लेते हैं 21/2, और इंटू एल बराबर, इसको अगर हम दशमलव हटा दें तो 5775, दशमलव हटा के इसको पैसा में बदल देते हैं, क्योंकि दोनों को पैसा में रखना होगा, 10। ठीक है, ये भी पैसा हो गया, तो पैसा हो गया, इसलिए इसको 22/7 × 21/2 इंटू एल इजकल टू, इसको अगर हम काट देते हैं तो 5×10, 5×5, 5×5, फिर ये आ गया 25, 1155 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को भी इस तरह से हम काट लेते हैं, और 7 को भी काट लेते हैं 3, और देखते हैं ये अगर कट जाता है तो काट लेते हैं
22, 11 * 11 0, 11 * 55 55। ठीक है, अब इसको 3 से भी काट लेते हैं, 3 * 3 = 9, 3 * 5 = 15। ठीक है, तो सारा कट गया। क्या आया, 2L = 35 या L = 35/2 = 17.5 सेंटीमीटर। तो ये L निकल के आया, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, एक बार और पढ़ लीजिए इसको। कहता है तो टोपी की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, तो तिर्यक ऊंचाई आ गया, अतः टोपी की तिर्यक ऊंचाई बराबर 17.5 सेंटीमीटर। अब लंबत ऊंचाई निकालेंगे, इसलिए टोपी की लंबवत ऊंचाई बराबर एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इसका एल जो है, एल कितना बैठाएंगे, तो एल देखिए आ गया 17.5 का होल स्क्वायर, और माइनस आर देखिए इसका कितना आ गया था, 21/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10.5 का होल स्क्वायर, ये 10.5 है। ठीक है, अंडर रूट लिखते जाइए बराबर, ये दोनों को जोड़ लीजिए 28 आएगा, और दोनों को माइनस कर लीजिए 7 आएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठ गया, इसलिए एक बार प्लस में करते हैं, a + b * a - b, इसलिए इसको इस तरह से करके जल्दी से हमको निकाल लेते हैं मान, 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × 7 आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबत ऊंचाई भी निकालने के लिए कहा गया, तो लंबत ऊंचाई भी निकल के आ गया, और तिर्यक ऊंचाई कहा गया, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई भी एक आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं का एक लंब वृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया हुआ है, इसके आधार का व्यास 9 मीटर है एवं ऊंचाई 3.5 मीटर है, उस गेहूं का आयतन ज्ञात करें, गेहूं की उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे 3.14 बैठाना है, और 130 अगर आता है तो उसके जगह पर 11.4 बैठाना है। ठीक है, ये हमको दे दिया गया है, तो देखते हैं इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सवाल नंबर है 12, है ना, सवाल नंबर है 12। तो दिया क्या क्या है, जैसे ये गेहूं का ढेर है, ठीक है, ये गेहूं का ढेर है, इसका ये ऊंचाई होगा लंबत ऊंचाई, और इसका आर होगा, तो आर यहाँ पे दिया है 9/2 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 4 मीटर, इसको 4.5 मीटर भी हम लिख सकते हैं, ये इसका आर है। अच्छा, और इसका क्या दिया हुआ है, इसका बोल रहा है ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, अच्छा, जब ढकेगा तब इसका तिर्यक ऊंचाई लगेगा, फिलहाल तो आयतन निकाल रहे हैं, तो आयतन निकाल लेंगे इसका, आयतन निकालने के बाद फिर देखा जाएगा कि ढकने के लिए इसको कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो दिया गया है कि शंकुआकार गेहूं के ढेर का अर्ध व्यास, पहले व्यास दिया हुआ है, तो व्यास बराबर 9 मीटर, इसलिए अर्ध व्यास निकाल लेते हैं, अर्ध व्यास बराबर 9/2 = 4.5 मीटर, तथा ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई आप लिख ले सकते हैं कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर, इसलिए गेहूं का आयतन निकाल लेते हैं, गेहूं का आयतन बराबर 1/3 πr² h, तो जो मान यहाँ पे दिया है वही बैठाएंगे, 1/3 × π का मान दिया है 3.14 बैठा लिए हैं, और r
आर यहाँ पे निकल के आया है 4.5 × 4.5 ले लिए हैं, और एच निकल के आया है 3.5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हल करना है। 3 से काट दीजिए इसको, 3 × 3 = 3, 3×5 = 15 कट गया है। तो 3.14 × 1.5 × 4.5 × 3.5, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 314 ÷ 100 × 15/10 × 45/10 × 35/10, इस तरह से आप कर लीजिए। करने के बाद देखिए 5 का 3 बार में 2 बार में काट लीजिए इसको, 7 बार 2 बार, ठीक है। और इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 14, कट गया है। और देखिए ऊपर कुछ कटने लायक है क्या, नहीं कटने लायक है, तो आ जाएगा 157 × 27 × 27, इसको 27 कर लीजिए, इंटू 7 ÷ 400। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है, पहले इसको 7 से कर लेते हैं, 157 × 47 = 9, बाकी 4, फिर आएगा 7 × 14 = 4, 18, 189 ÷ 400, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं, 189 ÷ 63 = 6 ÷ 45 = 10 ÷ 56 = 5 ÷ 46 = 5 = 45 ÷ 40 = 4 ÷ 8 = 12, ठीक है। फिर 751 देखते हैं कितना आता है, 3 7 5 9 9 7 16 6 1 6 6 2 8 1 9 ÷ 1 1 2, ठीक है। 29673 ÷ 400 कितना बार में लगा दें, 4 × 7 = 28, 7 बार में लगा देते, आ जाएगा 1673, 4 × 16, 1600। फिर पॉइंट दे देते हैं, 1 बार में लगा दीजिए, 400, फिर आ जाएगा 0 3 3 4 8 32। देखिए निकल के आ गया है 74.18, ठीक है, ये इसका आयतन निकल गया घन मीटर। तो ये जो गेहूं का ढेरा है इसका आयतन निकल करके आ गया है। अब देखिए अब क्या कहा है वो भी देखिए, कहता है इसको इसके ऊपर प्लास्टिक का चादर अगर बिछाया जाएगा तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल होगा, तो पार्श्व तल के क्षेत्रफल के लिए हमको L जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकुआकार ढेरा का तिर्यक ऊंचाई L बराबर, ठीक है, L बराबर कितना निकल के आएगा, तो h² + r² √। अब देखिए h² इसका दिया हुआ है, यहाँ देखिए सारा दिया हुआ, अर्धव्यास r है और h दिया 3.5, तो 3.5² अब प्लस इसका है 3.5 और यहाँ पे आया 4.5, 4.5² √, ठीक है। अब इसमें आएगा 3.5/10² +
फोर फाइव बटे टेन का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है ना, अंडर रूट। अब इसमें आएगा सेवन बाय टू होल स्क्वायर, नाइन बाय टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये आएगा उनचास बाय फोर, और यहाँ पे आएगा इक्यासी बाय फोर अंडर रूट। अब देखिए निकल करके क्या क्या आता है, फोर आएगा अंडर रूट, और यहाँ पे आएगा नौ एक दस जीरो, आठ चार बारह एक तेरह, एक सौ तीस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे दिया है 130 को 11.4 बैठाना, तो ये निकल के आएगा 11.4 डिवाइडेड बाय इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका तो दे ही दिया है मान। अब आ जाएगा दो पच्चे दस, दो सती चौदह, यानी 5.7 मीटर आ गया। ये क्या आ गया निकल के बोलिए तो, त्रियक ऊंचाई आ गया। इसलिए शंकुआकार ढेरा का आयतन है ना वन बटे थ्री, अच्छा आयतन ढेरा का आयतन नहीं, ढेरा का पार्श्व का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पार्श्व क्योंकि ढकने के लिए पार्श्व का क्षेत्रफल निकालना होगा, पार्श्व का क्षेत्रफल बराबर बोलो पाई आर एल। अच्छा यहाँ पाई का दस फिर बैठा देंगे 3.14, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसके जगह पे 3.14 बैठाना है, तो 1.4 बैठा दिए। आर के जगह पे हम बैठा देंगे 3.5, एक मिनट 4.5, क्योंकि आर बराबर वहाँ पे दिया हुआ है, और एल निकल के आया 5.7। अब क्या करना है, 314 डिवाइडेड बाय 145 बाय 10 और 57 बाय 10, ठीक है। अब देखिए जो कटता है काटते हैं, इसको 9 से काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, और 2 से अगर कटता है तो काट लीजिए इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्तर 14, यानी आ गया निकल के 157 इंटू 9 इंटू 57 और डिवाइडेड बाय आ गया 1000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है 157 इंटू 963, 6 945 और 6 51, इतना डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 513 को मल्टीप्लाई करते हैं 157 से, जितना आएगा दशमलव केवल हेर फेर करेंगे, सत इक्कीस बाकी दो, सात दो नौ और सात पच्चे 35, फिर पाँचे 15 का 5 एक, और फिर 5 एक 6 फिर 25, ठीक है। फिर 3 एक बार में कर देते हैं तो एक बार में 3 आ गया, एक आ गया और 5 आ गया। अब देखिए इसका निकल के कितना आता है, एक आता है, 9 5 14 का 4 आता है, बाकी एक, 6 5 11, 11 3 14 15 का 5 आता है, बाकी एक, 4 5 9 1 10 का 0 आता है, बाकी एक, 5 2 7 1 8, ठीक है। आ गया 8 0 ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 5 और 4 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया था 1000। अब तीन अंक के बाद दशमलव अगर हम आते हैं तो आ जाता है कितना 84 एक मिनट 80.54, ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये जो निकल के आया है 80.54 वर्ग मीटर, यही क्या है, उसको प्लास्टिक जो है उसके चारों तरफ जो बिछाएगा उसका ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 80.54 वर्ग मीटर। क्लियर।
अगर वीडियो पसंद हो तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।